तो जब आपके आगे में 3 स्टार बंदे होते हैं तो उधर पर गाइज आपको 1 बाई 1 करके सभी बंदों को नोक देना होता है। और ऐसे में अगर गाइज आपको बजाय एनिमीज को जितने ज़्यादा फास्ट नोक दोगे उतने अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि उधर पर आपके क्लच को कंप्लीट करने के चांस ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में काम आता है गाइज क्लोज रेंज में हेडशॉट कनेक्ट करना। अब गाइज अगर ये आपने मास्टर कर लिया तो आपको जो क्लोज रेंज है उसके अंदर में आप किसी भी क्लच को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस हेयर प्लेसमेंट के बारे में। तो गाइज बहुत सारे बंदे मिस्टेक करते हुए अपनी क्रॉस हेयर को ऐसे नीचे की साइड पर रखते हैं और जब बंदा आता है वो क्रॉस हेयर को ऊपर करके एनिमी को नोक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच एनिमी जो रहता है उनको काफ़ी हद तक डैमेज दे दिया होता है, जिसके कारण उनके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये मिस्टेक ना करके आपने जो क्रॉस हेयर है उसका ऐसा ऊपर की साइड पर रखना है, जिससे अगर आपका आगे बंदा भी आएगा तो गाइज आप उसको बड़े आराम से नोक दे पाओगे। बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन रहता है कि एमएज स्टोन रखना चाहिए ऑफ, तो इस वाले पॉइंट में आपको इसी के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा एमएज स्टे भी इनेबल है, तो एमएज जब मेरा इनेबल रहेगा तो अगर मैं किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करते वक्त मेरा एम चूक होएगा जरा सा भी, तो फायर जो है फिर भी एनिमी के ऊपर ही जाकर लगेगा। जैसे आप देख सकते हो मैं एनिमी के ऊपर में एम नहीं रखा हुआ हूँ, फिर भी गोली जो है एनिमी के पास में जा रही है। अब वैसे इसके एडवांटेज तो जब है जब आप 1v1 फाइट ले रहे होंगे, लेकिन गाइज अगर आप 1v2 फाइट ले रहे होंगे और आपके जो सामने वाले एनिमी रहेंगे वो दोनों साइड बाई साइड रहेंगे, तो उधर पर आप दोनों में से किसी एक भी एनिमी को नोक नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो एम रहेगा वो कभी दूसरे एनिमी के पास पहुंचेगा तो कभी पहले वाले एनिमी के पास में पहुंच जाएगा, जिसके चलते दोनों एनिमीज को आप नोक नहीं दे पाओगे और इसके कारण आप बड़े आराम से उस फाइट में हार जाओगे। तो गाइज इसको आप ऑफ ही रखो तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं गाइज एम ट्रेसिंग के बारे में। तो गाइज एम ट्रेसिंग प्रैक्टिस करने के लिए गाइज आपको इधर पर आ जाना है। इधर पर आने के बाद में गाइज आपको इस बोर्ड के पास में आकर के जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ वो सारी सेटिंग्स कर लेनी है। उसके बाद में गाइज आपको करना कुछ नहीं, आपको इस जो आगे की साइड पर बोर्ड है इसके ऊपर में आपको एम रखना है, जो कि गाइज आप अगर आप जायरो प्लेयर हो तो आपको जायरो से करना है, और अगर आप गाइज थंब प्लेयर हो तो आपको थंब से करना रहेगा। जिन लोगों को एम ट्रेसिंग का मतलब नहीं पता उन लोगों को मतलब डालू, एम ट्रेसिंग आपके जब काम आते हैं जब सामने वाला एनिमी जिगल दे रहा होता है उस दौरान भी आप एनिमी के हेड के ऊपर में एम रख के एनिमी को बड़े आराम से नोक दे सकते हो। अब बात करते गाइज उस हेडशॉट टिप के बारे में, जिसके बारे में आपने थंबल के अंदर में पढ़ा था। अब गाइज एडीएस फाइट देते वक्त अगर गाइज आपको हेडशॉट कनेक्ट करना है तो उसके लिए गाइज आपको जैसे कि आप देख सकते हो क्रॉस हेयर अगर आप एनिमी के हेड के ऊपर में रखोगे तो आपको जो क्रॉस हेयर रहेगा उसके शोल्डर के ऊपर में खुलेगा, तो आप इसकी जगह उसका जो शोल्डर रहेगा शोल्डर की जो ऊपर की साइड रहेगा उधर पर आप इसको हेड से भी ऊपर थोड़ा बहुत रख सकते हो, जिसकी मदद से आपका जो हेड कनेक्ट है एडीएस फाइट के अंदर में बड़े आराम से हो जाएंगे। और रही बात क्लोज रेंज के अंदर में हेडशॉट कनेक्ट करने की, तो आप उसके लिए रिपोर्ट बटन का यूज कर सकते हो। रिपोर्ट बटन को आपको इस तरह से लगा देना है क्रॉस हेयर की उस साइड पे इधर पे स्कोप खुल रहा था। अब ऐसा करने के बाद में गाइज आप बड़े आराम से एनिमी को हेड कनेक्ट कर पाओगे, जहां पहले गाइज आप क्लोज रेंज के अंदर में 1 से 2 हेडशॉट ही कनेक्ट कर पा रहे थे। अब गाइज इस टिप को अप्लाई करने के बाद में गाइज आप एनिमी को ऊपर में 5 से 6 हेडशॉट बड़े आराम से मार सकते हो, अगर एनिमी जब तक जिंदा रहा तो। अब गाइज वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसको कर देना ऑल पे, ताकि मेरी सभी वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। और गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर मैं बना डालूंगा। और तो गाइज अगर हो सका मैं उसके ऊपर वीडियो ना बना पाया तो आपको उसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहेगा वो मैं आपको उसके अंदर में बता डालूंगा। It's all about humanity.